दिवाली व्रत कथा, राजा बलि की कथा। एक बार महाराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से विनय पूर्वक पूछा कि हे भगवान, आप मुझे कृपा कर कोई ऐसा व्रत या अनुष्ठान बताएं जिसके करने से मैं अपने नष्ट राज को पुनः प्राप्त कर सकूं, क्योंकि राजयुक्त हो जाने के कारण मैं अत्यंत दुखी हूँ। श्री कृष्ण जी ने कहा, हे राजन, मेरा परम भक्त दैत्यराज बलि ने एक बार 100 अश्वमेध यज्ञ करने का संकल्प किया। 99 यज्ञ तो उसने निर्विघ्न रूप से पूर्ण कर लिए, परंतु 100वां यज्ञ के पूर्ण होते ही उन्हें अपने राज से निर्वासित होने का भय सताने लगा। देवताओं को साथ लेकर इंद्र क्षीर सागर निवासी भगवान विष्णु के पास पहुंचकर वेद मंत्रों से स्तुति की और अपने कष्ट का संपूर्ण वृत्तांत भगवान विष्णु से कह सुनाया। सुनकर भगवान ने उनसे कहा, तुम निर्भय होकर अपने लोक में जाओ, मैं तुम्हारे कष्ट को शीघ्र दूर करूंगा। इंद्र के चले जाने पर भगवान ने वामन का अवतार धारण कर बटुक वेश में राजा बलि के यज्ञ में प्रस्थान किया। राजा बलि को वचनबद्ध कर भगवान ने 3 पग भूमि उनसे दान में मांग ली। बलि द्वारा दान का संकल्प करते ही भगवान ने अपने विराट रूप से एक पग में सारी पृथ्वी को नाप लिया, दूसरे पग से अंतरिक्ष और तीसरा चरण उनके सिर पर रख दिया। राजा बलि की दानशीलता से प्रसन्न हो भगवान ने उनसे वर मांगने को कहा। राजा ने कहा, कार्तिक कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी से अमावस्या तक अर्थात दिवाली तक इस धरती पर मेरा राज रहे। इन 3 दिनों तक सभी लोग दीप दान कर लक्ष्मी जी का पूजन करें और कर्ता के ग्रह में लक्ष्मी का वास हो। राजा द्वारा याचित वर को देकर भगवान ने बलि को पातालपुरी का राज देकर पाताल लोक को भेज दिया। उसी समय से देश के संपूर्ण नागरिक इस पुनीत दिवाली पर्व को मनाते चले आ रहे हैं। अंत सभी प्राणियों के लिए इस पर्व को सद्भावना पूर्वक मनाना आवश्यक ही नहीं बल्कि अनिवार्य भी है।